नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मीडिया। इसमें बलिया जनपद के सीएससी में मौजूद हूं और आप देख सकते हैं हमारे आसपास जो है काफी तादाद में लोग जो इकट्ठे हैं, पुलिस के जवान भी जो है यहां मौजूद हैं। घटना कुछ ऐसी हुई है कि जो ही बहुत ही दिल को दहला देने वाली, हृदय विदायक है। एक मासूम जो है बच्चा आज काल के गाल में समा गया है। कहीं ना कहीं एक्सीडेंट में उसकी जो है मौत हुई है। जिस तरह से ई रिक्शा के जरिए उसे ले जाया जा रहा था, ई रिक्शा के जो स्कूल का वाहन जो था पलट गया है और पलटने से जो उसकी भुआरी के आसपास जो है मौत हो गई, जिस तरह से जानकारी मिल पा रही है। और डेली जो है वह पशुवाड़ी मार्ग से जाता था, लेकिन आज जो मिश्रौली मार्ग से जा रहा था और आगे जो हर घर जल वाले खुदाई कर रहे थे, जिससे रोड जाम था और बैक करते हुए हादसा हुआ। यहाँ पे जो है हमारे साथ मौजूद बात करते हैं और समझते हैं। सर, अपना परिचय दीजिए। विजय यादव, प्रधान प्रतिनिधि राजपुर। मेरे रिश्तेदार के बच्चे थे वो, और जो रिश्तेदार हैं वहाँ शिक्षण कला में टीचर हैं प्राइमरी स्कूल में, उनको मंडी पे हम लोग रूम दिलवाए थे, वहीं रहती हैं। बच्चा यहाँ श्याम सुंदरी के बगल में कौन सा एमके इंटरनेशनल है। अब कैसे वहाँ के टीचर लोग और कैसे मैनेजमेंट है कि उस पियक्कड़ को ई रिक्शा से भेजते हैं। वो काफी इंटरनेशनल पियक्कड़ है। पियक्कड़ कौन सा ड्राइवर है? यहाँ पोखरे का, बेलथरा रोड का ही ड्राइवर है। नहीं, नाम नहीं जानते हैं सर। वो लेके जा रहा था, हर रोज लेके शिक्षण के रास्ते जा रहा था, आज नए रास्ते से भिंटिया की तरफ चला गया और वहाँ गाड़ी पलट गई और छोड़ के भागने भी लगा कि अब मैनेजर जाने और गार्जियन जाने, हमसे क्या मतलब है। रिश्तेदार है, उनका क्या नाम है? राकेश यादव, बैंक में मैनेजर है मिर्जापुर जी। और उनकी वाइफ जो है यहाँ पढ़ाती है जी, सीमा यादव। कौन से स्कूल में? हाँ, आकांक्षा यादव है, शिक्षण कला में जो प्राइमरी स्कूल। का नाम क्या? ईशान यादव। उम्र कितनी रही? 5 साल। कौन से क्लास में? अभी तो सर LKG जी। पहले से ही तो स्कूल जाता आता रहा होगा, उसी साधन से वो डेली आता जाता रहा होगा। फिर आज 15 दिन। हाँ, तो आज कुछ माँ सर वहाँ पढ़ाती हैं तो यहाँ कोई रूम पे है नहीं, तो ये होता था वहाँ ले जाके छोड़ देते थे अपने साथ, फिर दूसरे ऑटो में लेके चली आती थी। आज इधर से लेके गए, वहाँ ई रिक्शा पलट गया और छोड़ के, सबसे कमी है कि पलट गया और छोड़ के भागने लगा। मिश्रौली आके भीटा के लोगों ने उसको पकड़ा है और मार तो नहीं पाए। अब हम लोग तो पहुंच नहीं पाए मौके पे, पुलिस द्वारा वो थाने पे गया है और बच्चे की मृत्यु वही। जो स्कूल है, स्कूल ए रिक्शा से ही डेली जो है आपके बच्चे रिश्तेदार हैं उनके बच्चे को उनके घर ले जाता था जी। मंडी से और स्कूल की दूरी मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ मंडी से उठा करके और यहाँ श्याम सुंदरी स्कूल के पास बच्चे चला आता था। और आज उधर जाने का क्या रीजन रहा? उधर वो माँ के पास छोड़ने वाला था सिसैंड, तो हर रोज 2-3 दिन से हुआ कि इधर आते हैं तो आप छोड़ दीजिएगा, तो ये सिसैंड कला के रास्ते डम्बरवा का प्रति होते हुए जाता था, आज इधर से चला गया मिश्रौली होते हुए। दो तीन रोज से सिसैंड कला जो है छोड़ता था जी। हाँ, माँ के पास 2-3 रोज से छोड़ता था, फिर उसके बाद माँ लेके आती थी यहाँ मंडी पे जी। घटना को लेकर के आप क्या सोचते हैं और क्या कहेंगे? तो ये घोर लापरवाही स्कूल की है सर, बाकी ड्राइवर की है। देख सकते हैं जिस तरह की बातें जो है इन्होंने बताई है, यह काफी सोचनीय है और बहुत ही निंदनीय भी है कि जिस तरह से स्कूल प्रशासन जो है एक लापरवाह जो ड्राइवर के हाथ में ई रिक्शा जो दे रखा। सबसे पहली बात तो ई रिक्शा अलाउ ही नहीं है स्कूल में, क्योंकि कोई भी बंद गाड़ी ही हो सकती है जिसमें मैजिक तक चल सकता है, उसके अलावा जो कोई चल नहीं सकता है। लेकिन फिर भी संजोग भी देखिए ऐसा रहा है कि मंडी पर जो है उसे रोज ले जाया जाता था, लेकिन उनकी चूंकि माता वहाँ पढ़ाती है शिक्षण कला में, तो चूंकि स्कूल की छुट्टी जो है कॉन्वेंट की पहले हो जाती होगी और जो प्राथमिक विद्यालय की छुट्टी जो है बाद में होती है और टीचर को थोड़ा देर रुकना पड़ता है, तो चूंकि उधर से भी के बच्चे थे तो उनको यह लगा कि हमारा बच्चा जो है यहीं आ जाएगा बनिस्पत के घर पर अकेले रहने के बजाय। तो यह घटना जो है आज हुई है जो कि बहुत ही दिल को दहला देने वाली है और इसमें साफ साफ जो है लापरवाही नजर आ रही है। भारत मीडिया के लिए ओपी सिंह के साथ सब्बीर अहमद की रिपोर्ट। बने रहे भारत मीडिया के साथ।